पहले हमने ब्रोस्टेट लोरी संकल्पना की और आरएनए संकल्पना के अनुसार अमल क्षार को परिभाषित किया था और अम्ल क्षार को परिभाषित करने के लिए पहले सर्वप्रथम आरएनएस नामक वैज्ञानिक ने 1887 में अमल क्षार को परिभाषित किया था, वो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में दूसरा जो वैज्ञानिक जिन्होंने दो वैज्ञानिकों ने मिलकर के अमल क्षार को परिभाषित किया था, तो ब्रोस्टेट लोरी संकल्पना जिसको हमने कहा था। ब्रोस्टेट लोरी संकल्पना के अंदर हमने जो प्रोटोन देने वाले होते हैं वो अम्ल कहलाते हैं, हमने ये देखा था। इसके बाद में जो प्रोटोन ग्राही होते हैं यानी H प्लस ग्रहण करने वाले होते हैं वो क्षार कहलाते हैं, और हमने कई एक सामान्य उदाहरण लेकर के और एक अन्य उदाहरण लेकर के भी बताया था। इसके बाद में हम और भी कई उदाहरण ले सकते हैं, जैसे HCl, HCl प्लस H2O, HCl प्लस H2O। देखिए इसके पास H प्लस है, इसके बाद में इसके पास भी H2O है, लेकिन ये ज़्यादा अम्लीयता गुण रखता है, इसके लिए ये जलीय विलयन में अधिक मात्रा में H प्लस आयन देता है। इसी ये तो ये अम्ल हो गया, अम्ल होता है और ये क्षार होता है। इसके बाद में तो ये अगर हम HCl है, इसको हम जलीय विलयन में आयनित करवाते हैं तो ये H प्लस और Cl माइनस आयनों में विभक्त हो जाता है, तो ये H प्लस आयन देता है, तो H प्लस रखने वाला जो होता है वो अम्ल होता है, अम्ल और ये क्षार क्षार की भांति व्यवहार करता है। इसके बाद में हम बात करते हैं क्षार की भांति व्यवहार करता है, इसके बाद में हम बात करते हैं जैसे अब ये H प्लस आयन ग्रहण कर लेता है, H प्लस यानी Cl माइनस आयन प्लस और H3O प्लस, यानी इसको हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, ये हाइड्रोनियम आयन है, तो ये संयुग्मी क्षार और ये संयुग्मी अम्ल होता है, क्योंकि ये H प्लस आयन त्यागने वाला होता है, वो H प्लस आयन त्यागने वाला होता है वो अम्ल, और जो H प्लस यानी प्रोटॉन ग्रहण करने वाला होता है वो क्षार। तो देखिए Cl माइनस आयन संयुग्मी अम्ल और ये संयुग्मी क्षार, तो इसके अंदर हम देखते हैं ये प्रोटॉन देता है, तो प्रोटॉन दाता है, ये प्रोटॉन दाता है और ये प्रोटॉन ग्राही है, प्रोटॉन ग्राही है, तो ये प्रोटॉन ग्रहण करने वाला क्षार और प्रोटॉन जो देता है वो अम्ल। इसके बाद में हम बात करते हैं ब्रोस्टेट लोरी संकल्पना की सीमाएं। ब्रोस्टेट लोरी संकल्पना की सीमाएं या दोष क्या क्या हैं, तो उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ब्रोस्टेट लोरी संकल्पना की क्या सीमाएं हैं, तो इनके अनुसार ये संकल्पना एप्रोटिक अम्लों एवं क्षारों जैसे CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसी प्रकार से हम बात करते हैं SO2, इसके बाद में हम बात करते हैं BF3 आदि के बारे में यह संकल्पना स्पष्ट नहीं कर पाई।
आदि के बारे में स्पष्ट नहीं करती है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जिनके पास प्रोटॉन होते ही नहीं हैं, एच प्लस होते ही नहीं हैं, वो उनके बारे में इस संकल्पना के द्वारा व्याख्या नहीं की जा सकती। तो देखिए, इसके बाद में अमलसार की और भी कई परिभाषाएं और भी दी गई। जो नई परिभाषा है वो परिभाषा है लुईस संकल्पना दी गई। तो लुईस संकल्पना देखने से पहले हम थोड़ा सा अम्लों के उपयोगों के बारे में बात करते हैं, फिर बाद में हम लुईस संकल्पना के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम थोड़े अम्लों के बारे में चर्चा कर लें, क्योंकि आरएनए संकल्पना और इसके बाद में ब्रोस्टेंट लोरी संकल्पना, ये होने के बाद में अम्लक्षारों के जो उपयोग हैं वो देखते हैं, फिर बाद में हम ब्रोस्टेंट लोरी संकल्पना प्रारंभ करते हैं। ब्रोस्टेंट लोरी संकल्पना नहीं, ये क्या नाम है, लुई संकल्पना, अम्लक्षार की लुई संकल्पना। तो देखिए, अम्लों के उपयोग, अम्लों के उपयोगों के अंदर हम बात करते हैं, तो हमने पहले भी लिया था कि H2SO4 और HCl और HNO3 अम्लों को खनिज अम्ल कहते हैं। इसके बाद में हमने पहले भी आप चर्चा की थी कि जैसे सिट्रिक अम्ल टार्टरिक अम्ल एसिटिक अम्ल इन्हें कार्बनिक अम्ल कहा जाता है क्योंकि ये पेड़ पौधों तथा जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं, इस कारण इन्हें कार्बनिक अम्ल भी कहा जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं अम्लों के और भी बहुत से उपयोग हैं, जैसे औद्योगिक क्षेत्र में औषधि में, यानी औषधि बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। औषधि, पेंट, इसके साथ ही उर्वरक यानी रासायनिक जो पदार्थ या रासायनिक जो खाद होते हैं, यानी उर्वरक में किया जाता है। इसके अलावा देखिए, अम्लराज क्या होता है, इस अम्ल के बारे में या इस पदार्थ या विलयन के बारे में बात करेंगे। तो एक भाग सांद्र नाइट्रिक एक भाग सांद्र नाइट्रिक अम्ल
एक भाग सांद्र नाइट्रिक अम्ल तथा तीन भाग सांद्र HCl से बने लवण या बने विलयन को अम्लराज कहते हैं, अर्थात इसे एक्वारेजिया भी कहते हैं। अम्लराज को एक्वारेजिया भी कहते हैं इंग्लिश में। तो अम्लराज क्या होता है? एक भाग सांद्र नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 और तीन भाग सांद्र HCl से जो बना जो विलयन होता है वो अम्लराज कहलाता है। और अम्लराज एक ऐसा विलयन है जिसमें कठोर से कठोर धातु जैसे प्लेटिनम और सोने जैसी धातुएं भी गलाई जा सकती है या गल जाती है। तो देखिए HNO3 नाइट्रिक अम्ल और HCl। नाइट्रिक अम्ल हम इसमें दो अनुपात देखते हैं, तो इसमें एक अनुपात यानी इसका एक भाग यानी 1:3 यानी HNO3 का एक भाग लेते हैं तथा HCl के तीन भाग इनको दोनों को मिलाने से ये एक भाग है और ये तीन भाग है और इनको मिलाने से एक्वारेजिया बनता है। एक्वारेजिया बनता है या इसको बोलते हैं अम्लराज। देखिए दोबारा से अम्लराज, ये बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो अम्लराज क्या होता है? एक भाग सांद्र नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 तथा तीन भाग सांद्र HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से बने विलयन को अम्लराज कहते हैं। इसमें HNO3 एक भाग लेते हैं तथा तीन भाग सांद्र HCl लेकर के इन दोनों जो अम्ल होते हैं उनके बने विलयन को एक्वारेजिया या हम कहते हैं अम्लराज कहते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं यानी अम्लराज का जो उपयोग है वो मैंने आपको पहले बताया कि अम्लराज एक ऐसा पदार्थ है या ऐसा विलयन है जिसमें कठोर से कठोर धातुएं भी गलाई जा सकती है, जैसे सोने चांदी को भी गलाया जा सकता है, जो गहने वगैरह साफ करने के काम में लिया जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका जो सूत्र है मैंने आपको पहले बताया था H2SO4। इसे अम्लों का राजा भी कहा जाता है। वो देखिए उसके अंदर पहले अम्लराज था और ये अम्लों का राजा है। जैसे फलों का राजा आम होता है वैसे ही अम्लों का राजा सांद्र मतलब H2SO4 होता है। तो ये इसे क्या कहते हैं? अम्लों का राजा भी कहते हैं। अम्लों का राजा है ये। इसके बाद में किसी भी देश की प्रगति या उसकी औद्योगिक जो इकाइयां होती हैं तो औद्योगिक प्रगति की जो दर है वो इसकी खपत से मापी जाती है, यानी H2SO4 की खपत कितनी हुई है उस जिसके कारण उस देश की प्रगति भी उसी इसकी खपत से मापी जाती है। मतलब इसके बाद में हम बात करते हैं एसिटिक अम्ल
एसिटिक अम्ल, इसका जो सूत्र होता है वो CH3COOH होता है, CH3COOH होता है एसिटिक अम्ल को। ये जो कि इस सिरके से प्राप्त किया जाता है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये अचार मुरबे और खाद्य जो वस्तुएं होती हैं, खाद्य पदार्थ की जो वस्तुएं होती हैं, उनको लंबे समय तक परिरक्षक रखने के काम में या परिरक्षक के रूप में काम आती है, ख़राब होने से बचाती है। और यह है इसका जो CH3COOH है, या इसको IPC इसका जो नेम है वो एथेनोइक अम्ल है। इसका जो IPC नेम है वो एथेनोइक अम्ल होता है, जो कि हम लेसन नंबर आगे वाले जो लेसन हैं उनके अंदर हम बात करेंगे, जैसे 8वें लेसन के अंदर बात करेंगे इसके बारे में। तो ये भी आपको पहले ही तैयार करना है। तो CH3COOH यानी एसिटिक अम्ल CH3COOH। इसके बाद में हम बात करते हैं कुछ क्षारों के उपयोग हम बात करते हैं, तो इसका उपयोग आपको पता चल गया होगा, बता दिया। इसके बाद में हम बात करते हैं कुछ क्षारों के उपयोग। कुछ क्षारों के उपयोग, देखिए हमने कुछ अम्लों के उपयोग, हमने अम्लों के बारे में चर्चा की। अब हम बात करेंगे क्षारों के उपयोगों के बारे में बात करेंगे। तो क्षारों का जो उपयोग है वो उद्योगों में, यानी इनका उपयोग भी औद्योगिक क्षेत्र में, इसके अलावा प्रयोगशाला में इनका उपयोग अधिक किया जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं अगला, जैसे हम NaOH के बारे में बात करते हैं, NaOH जिसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, जो कि हमने परबल क्षार लिया था, इसे कास्टिक सोडा भी कहते हैं। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं, जो कि पहले आपको बताया था। इसके बाद में तो इसका उपयोग है, हम बात करते हैं तो इसका उपयोग है साबुन बनाने में। इसी प्रकार से अपमार्जक बनाने में, यानी इस लेसन के जो लास्ट वाला जो पॉइंट है वो साबुन और अपमार्जक है। इसके बाद इसके बारे में विस्तार से जो जब पॉइंट आएगा तब हम इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। इसके बाद में वस्त्र उद्योग में इसके अलावा आदि में किया जाता है। कहने का तात्पर्य ये, इसके निर्माण की विधि भी हम आगे पढ़ेंगे। तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसे कास्टिक सोडा भी कहते हैं, ये प्रबल क्षार है, ये साबुन बनाने में, अपमार्जक बनाने में, वस्त्र उद्योग में आदि में किया जाता है, यहाँ तक कि इसका उपयोग हम प्रयोगशाला में भी करते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका सूत्र सी ए कोष्टक ओ एस टू, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र सी ए कोष्टक ओ एस टू, इसे भुजावा चूना भी कहा जाता है। कैल्शियम हाइड्रो जो कि एक दुर्बल क्षार है जो कि हमने पहले पढ़ लिया है, इसका जो उपयोग है वो मिट्टी की अम्लता को दूर करने में किया जाता है। इसका जो उपयोग है, इसका उपयोग मिट्टी की अम्लता को दूर करने में किया जाता है। कहने का तात्पर्य ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसका उपयोग है मिट्टी की अम्लता, यानी जब भूमि या मिट्टी के अंदर अम्लता बढ़ जाती है तो उस अम्लता को दूर करने अम्लता बढ़ जाती है तो पेड़ पौधे हैं वो एक निश्चित प्रयास के अंदर ही स्वस्थ रूप से वृद्धि करते हैं। इसलिए अगर मान लो पीएच का मान गिर जाएगा या हम कह सकते हैं अम्लता ज़्यादा हो जाएगी तो पेड़ पौधे ठीक प्रकार से वृद्धि नहीं करेंगे, यहाँ तक कि जीव जंतु भी जल में रहते हैं और जो सूक्ष्म जीव होते हैं जो पेड़ पौधों की स्वस्थ वृद्धि के लिए लाभकारी होते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। इस कारण उस मिट्टी की जो अम्लता ज़्यादा होने के कारण जो पेड़ पौधे वो ठीक प्रकार से वृद्धि नहीं करते हैं। इस कारण इसके अंदर इस मिट्टी की अम्लता को दूर करने के लिए इसका उपयोग या खेतों के अंदर इसको डाला जाता है, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं इसका जो उपयोग है वो सफ़ेदी करने में, अगला है सफ़ेदी करने में, यानी कहने का तात्पर्य हम बाज़ार से मार्केट से अगर बिना भुजा चूना लेकर के हम आते हैं, बिना भुजा चूना का सूत्र CaO होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, और उसको हम जब जल में डालते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो निर्माण होने के बाद में यानी विलयन ठंडा हो जाता है तब हम मकान की जो दीवारें होती है उन दीवारों के ऊपर सफ़ेदी करने के काम में लेते हैं, तो सफ़ेदी करने के काम में लिया जाता है। इसके बाद में आगे बात करते हैं कीटनाशक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा हम दूसरे जो क्षार हैं उसका और भी हम उपयोग देखेंगे। तो देखिए अब हम बात करते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी इसका सूत्र होता है Mg कोष्टक OH2, यानी इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है, इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, जो कि हमने पहले भी देखा था कि जो ये एक दुर्बल क्षार है इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, जिसकी पीएच का मान लगभग 10 होता है या 10 होता है। इसके बाद में यह है इसका जो उपयोग है वो एक एंटा एसिड के रूप में काम में लिया जाता है, यानी प्रति अम्ल के रूप में काम में लिया जाता है या एंटा एसिड के रूप में काम में लिया जाता है, या इसका उपयोग एंटा एसिड के रूप में, या एंटा एसिड को हम हिंदी में बोलते हैं प्रति अम्ल के रूप में, यानी इसका उपयोग एंटा एसिड के रूप में किया जाता है। एंटा एसिड यानी जब हम हमारे पेट के अंदर उदर के अंदर अम्लता की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो हमारे
सीने के अंदर या पेट के अंदर जलन व दर्द का अनुभव होने लगता है, जिससे हमारी मतलब पेट के अंदर अम्लता की मात्रा बढ़ जाती है। और पेट के अंदर अम्लता की मात्रा को दूर करने के लिए यानी उस को रोकने के लिए, जलन व दर्द को रोकने के लिए हम इस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं, जिससे अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है, जिसके कारण पेट के अंदर जो जलन व दर्द है वह समाप्त हो जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं कुछ लवणों के उपयोग यानी हमने अम्लों के उपयोग देख लिए, क्षारों के उपयोग देख लिए, अब कुछ लवणों के उपयोग भी हम देखने जा रहे हैं। तो लवणों के उपयोग है ये धातु क्रम मतलब धातुओं का जो निष्कर्षण यानी शुद्धिकरण होता है उसके अंदर इसका उपयोग किया जाता है। यानी कहने का तात्पर्य धातु क्रम में इसका उपयोग किया जाता है, धातु क्रम में धातुओं के शुद्धिकरण में शोधन में इनका उपयोग किया जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं सीमेंट बनाने में। इसके अलावा हम बात करते हैं एक जो लवण है जिसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसका जो उपयोग है वो हम संगमरमर के जो फर्श होते हैं अपने भवन निर्माण के अंदर जो फर्श है उसका उपयोग, यानी इसका उपयोग फर्श बनाने में किया जाता है। इसी प्रकार से तथा धातु क्रम में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं सिल्वर नाइट्रेट, जिसका सूत्र होता है AgNO3। सिल्वर नाइट्रेट ये एक प्रकार का, इसको अमिटस्याही भी कहते हैं, इसे अमिटस्याही भी कहा जाता है। और ये इसका जो प्रमुख उपयोग है वो फोटोग्राफी में किया जाता है, सांव व सफ़ेद फोटोग्राफी में इसका उपयोग किया जाता है। तो फोटोग्राफी में इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं इसका जो उपयोग है वो उर्वरक बनाने में भी किया जाता है तथा विस्फोटक पदार्थ बनाने में भी किया जाता है। विस्फोटक पदार्थ बनाने में किया जाता है। इसके बाद में हम अगला देखते हैं फिटकरी, जिसका सूत्र होता है K2SO4 Al2SO4 कोष्टक 3.24H2O, जो कि हमने पहले क्रिस्टलन के जल के अणुओं की संख्या के बारे में बात की थी, उस टाइम हमने फिटकरी का सूत्र देखा था। तो K2SO4 Al2SO4 कोष्टक 3.24H2O, जिसके अंदर क्रिस्टलन के जल के अणुओं की संख्या 24 होती है, इसका जो उपयोग है वो हम देखते हैं पानी के शुद्धिकरण में इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद में इसका उपयोग है औषधि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद में इसका जो उपयोग है वो प्रयोगशाला में किया जाता है तथा औद्योगिक क्षेत्र में भी इसका उपयोग किया जाता है
औद्योगिक क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये कैल्शियम सल्फेट, देखिए पिटकरी क्या होता है, ये कैल्शियम सल्फेट का पोटेशियम सल्फेट, व एल्यूमिनेट सल्फेटों का जलयोजित लवण होता है। अर्थात दोबारा से देखिए, ये पोटेशियम सल्फेट तथा एल्यूमिनेट सल्फेटों का जलयोजित लवण होता है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्लास में।